शाम के 4 बज गए हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है मोना, बाय बाय। चाची नमस्ते, आदि बाय। ठीक है भाई, हम मेरठ से निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं डायरेक्ट गांव, सुबह के और सैली के गांव। हम एग्जैक्ट 5 बजे निकले हैं, अभी थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर आ जाएगा, उससे पहले का नमस्ते मिडवे। तो मैं सोच रहा हूँ कि नमस्ते मिडवे से कुछ खाना है, बर्गर खाना है सैली। हाँ, अभी हम देहरादून हाईवे पे चल रहे हैं, थोड़ी देर में मुजफ्फरनगर आ जाएगा, उससे पहले आएगा नमस्ते मिडवे। मैं सोच रहा हूँ वहाँ से ड्राइव थ्रू से बर्गर ले लेते हैं, क्या मैकडी का, कभी बहुत दिन हो गया खाया नहीं है। ठीक है सैली, ओके। ओ माय गॉड, कितनी बड़ी बस गई है बराबर से। ये कहाँ जा रही है? जनरथ, राजस्थान से आई है। इधर सनसेट हो रहा है भाई, देखो कितना अच्छा। अरे वाह, कितना बेहतरीन सनसेट हो रहा है, कितना क्लीन लग भाई, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है। मजा आता है इस टाइम ट्रेवल करने में ना, थोड़ी देर में वो अंधेरा हो जाएगा। हम खतौली बाईपास पर हैं अभी। यार मेरा शीशा गंदा हो रहा है, इसको साफ ही कर लेते हैं, वरना यूट्यूब पे बहुत प्रॉब्लम करता है। तो लोग तो कमेंट भी कर देंगे कि शीशा कितना गंदा है यार। मैं तो ये बोल रहा था इस पर ट्राई करना है, इस पे नहीं, झिलमिल पे नहीं, इससे अगले वाला जो है फन एंड फूड कार्निवल, इस पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। फन एंड फूड कार्निवल नाम है इसका, और देखता हूँ। अच्छा, KFC ड्राइव थ्रू भी है, चलो KFC इससे बाहर निकलते हैं, हम तो नमस्ते मिडवे में ही जाते हैं। देवराना है, इसका बहुत गलत फीडबैक है, बंसल जी ने खाया था तो बोल रहे थे बेकार है। मैं भी गया था एक दो से और पूछा है, सब बेकार बता रहे थे, तो इसमें ना रुको तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आ गया नमस्ते मिडवे, सबसे बेस्ट है यहाँ का, बहुत पुराना भी है। मैकडी के ड्राइव थ्रू से बर्गर लेंगे। आइसक्रीम, तो आइसक्रीम खाएगी। अरे वो अभी ट्रैफिक जाम है, हमसे आगे कोई खड़ा है। ये देख बच्चे कितने खुश हो जाते हैं खाने के नाम के, कितनी एक्साइटिंग हो रही है। अभी ट्रैफिक जाम है, जो हमसे अगले वाला बंदा है वो कम से कम 15 मिनट से हमारे आगे खड़ा है। क्या खड़े रहो, अब तो पीछे भी कार आ गई। चलो बंदा मेरे पास आ ही गया था, तो बाकी वहाँ से भी ऑर्डर ले रहा है, सबसे सबके पास जा जाके ऑर्डर ले रहा है, पैसे यहाँ पे देने। थैंक यू। कलेक्ट करने में भी भीड़ लगी हुई है, लोग तो पता नहीं पैदल आके क्यों ले रहे हैं यहाँ से, कार वाले आते हैं सिर्फ। ये तो विंडो पे भी नहीं खड़ा, इतनी पीछे खड़ा है। ओह, फिर यहाँ 10 मिनट से खड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोग पैदल भी आ रहे हैं यहाँ से कलेक्ट करने और कार वाले वेटिंग में हैं। ये लो भैया, पैदल वाले क्यों खड़े हैं इतने सारे? सबको अलाउ कर दिया, सबको अलाउ कर दिया, इस वजह से हमें दिक्कत हो गई। अब भाई ये बोल रहे हैं सबको अलाउ कर दिया, पैदल वाले भी आ सकते हैं वैसे भी। यहाँ पे अपना सारा ऑर्डर आ चुका है। और भाई एक चीज वैसे मैंने पहले बताई थी, चक्रा दिख रहा है ना सामने, चक्रा पे मत आना कभी भी, बेकार, इतना महंगा और बेकार। 6:50 हो चुके हैं और अंधेरा भी हो गया है, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं गांव की तरफ। 1.5 घंटा और लगने वाला है, यहाँ से 85 किलोमीटर है। एग्जैक्ट 8:30 हो रहे हैं और हम पहुँच गए हैं गांव में। वेलकम टू विलेज। तुझे सबसे पहले किसको देखना है? सब कोई देख रहा है। अपने खरगोश को नहीं देखना? चांदी नमस्ते। तो भाई बनी को देखना है, सैली को बहुत दिन हो गए इसको देखे हुए। निकाल दे निकाल दे निकाल ले निकाल लिया। भाग गया भाग गया भाग गया, इतना क्यों डर रहा? रुक 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 रुक, तुमसे सैली सालों से डर रहे ऐसे? ये हाथ नहीं लगाते ना इसके? अच्छा तुम हाथ नहीं लगाते? रुक रुक रुक, कैसे डर रहा है? अब कितना डर रहा है? डर रहा है। आग पे आग बंद कर ले, आग बंद कर ले, खोल बस। मित्र मुंडा था, ये भूल गया सैली को, भूल गया, किसी ने हाथ नहीं लगाया, एक महीने से सैली देहरादून थी, तो अब देखो कैसी आदत होगी। कितना डर गया, कितना डर गया। चांद कितना प्यारा निकल रहा है। दूसरे मामा जी यहाँ जा रहे हैं, जो की जिनके घर पे शादी है दोनों लड़कियों की, तो वहीं पे खाना खाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मम्मी नमस्ते। बस क्यों भोंक रहा हूँ, सुबह मिल गया गांव में, बहुत ज्यादा बिजी है ये शादी में, यहाँ पे पागलों की तरह भाग रहा है इधर उधर। एक लड़का और आया हुआ है यहाँ पे, देखो इसके साथ खेल रहा है ये जब से। क्या नाम है तेरा? है मूंगफली खाएंगे अभी, लाओ मुझे भी दे दो थोड़ी सी, हाथ भी दे दो, बस 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 बस। सुबह मूंगफली खाएगा। गोइंग बैक टू होम, 11 बज गए भाई, काफी लेट हो गया, सड़कों पे भी कुत्ते भौंक रहे हैं। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज। सब शांत माहौल यहाँ पे,
क्या बनाया आज? ब्रेकफास्ट में मैं खा रहा हूँ यहाँ पे सेब और ओट्स, गांव में भी। आप भी खा लो, क्यों दांत नहीं है? अच्छा वैसे तो गांव में ये वाला खाना बना हुआ मट्ठा वगैरह, पर मैं खा रहा हूँ अपने ओट्स क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। बनी को भी धूप में बैठा दिया यहाँ पे, अब यहीं बैठा रहेगा जब तक धूप आती रहेगी। दूसरे मामा जी के घर आ गया हूँ जहाँ पे शादी है। क्या कर रहे हो? पकौड़े दार रहे? अच्छा पोड़े हैं ये, ये तो उसके लिए बन रहे होंगे ना, वो देवताओं के लिए। ये घेर है मामा जी का, ये चीकू बंधा हुआ है, हमेशा ऐसे ही करता है, सोचता है बस पास आ जाओ किसी तरह और फिर देखो कैसे करेगा। काटता नहीं है ये, मतलब प्यार करता है, बस 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 कपड़े गंदे करता है और कुछ नहीं है इसका। चुपचाप से बैठ जा, चुप आराम से बैठ जा। अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही प्यार करता है देहरादून। बस 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 आराम से बैठ जा, बस इतना बहुत है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। अच्छा साइकिलें खड़ी हुई है, भूस है, ये भूस का कमरा है। छत पे देखते हैं क्या चल रहा है। ये मिट्टी किस लिए है? इससे चूल्हा बनेगा, चूल्हा गीली की हुई है, चिकनी मिट्टी। लाइटें लगा रहा है चिंटू। गांव का माहौल दिखा देता हूँ फिलहाल क्या चल रहा है। सुबह सुबह गांव में इधर उधर लोग जा रहे हैं, इस गली से निकल के उस गली में, और कोई खेतों से बोने की छिलाई करके। छोटे बच्चे खड़े हैं उधर, किसी का घेर है तो गाय भैंस खड़ी है। इस तरफ मुस्लिम पॉपुलेशन है और उस तरफ लेफ्ट में फिर इधर हिंदू पॉपुलेशन है। ओहो कितनी बुरी तरह झोटे को मारा जा रहा है। गांव में इसी तरह से थोड़ा सा अत्याचार तो होता है। यहाँ पे जैसे आपको कुत्ते दिख जाएंगे, उनको कोई नहीं कदर करेगा, बिल्कुल सूखे रहते हैं, बीमारियाँ रहती हैं, कोई NGO नहीं है, कोई कुछ नहीं है, थोड़ा रो बहुत ज़्यादा रो लाइफ है यहाँ की। ये सरकारी नलका है जिससे आसपास के लोग पानी भरने जाते हैं। ये इधर गोबर पात रहे हैं। गांव में भी मुझे मैकपाई दिख गई है। अरे वाह वेरी बेस्ट, मज़ा आ गया इसको देख के, दिल खुश हो गया। कितने सारे कपड़े सूख रहे हैं। चूल्हा, नानी जी इधर बैठी हैं, उस तरफ शादी हुई है उस घर में, मुस्लिम फैमिली है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा रिकॉर्ड भी करूँगा। फूल बना रहे हो भाई? देखो शादियों का सीज़न चल रहा है, कितने सारे कार्ड हैं, ये यहीं पे रखे रहते हैं, लोग आते रहते रहते हैं तो ये यहाँ पर रख देते हैं। दो कार्ड तो मेरे सामने ही आ गया अभी। चलो दूसरे मामा जी के घर चलते हैं, देखते हैं यहाँ कौन है। यहाँ कोई नहीं होगा वैसे क्योंकि मामी जी उधर ही गई हुई है। अच्छा मामा जी हैं यहाँ पे। स्टार्ट नहीं हो रहा, करो करो, चल नहीं पा रहा। ये कौन कौन सी बरसीन है? एक ही है कि दो हैं अलग अलग? एक ही है, बथुआ सा लग रहा। एक बार और कोशिश। चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, गाय भी डर गई। तो चलते हैं वापस घर पे। फिलहाल तो गांव में ये माहौल बना हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ पे कौन आ गया? दूधिया। चलो छत पे चलते हैं। छत पे इन्होंने कोसे सुखाए हुए हैं जिनमें घास उग गई है। ये बराबर में मंदिर और यहाँ से गांव का कुछ इस प्रकार व्यू है। इस तरफ पूरा हिंदू पॉपुलेशन है, इस तरफ पीछे की तरफ। इधर SC ST OBC जनरल सब रहते हैं। तो खाट ऊपर ही आ रही है मेरे लिए, इधर यहीं पे लेटते हैं, बैठते हैं, आराम से सोते हैं। ले आओ ले आओ ले आओ। ठीक है मैं तो यहाँ पे आके लेट गया हूँ छत पे, खाट पे, धूप है, विटामिन डी लेते हैं। और आपने अब तक देखा कि सुबह के 10:15 बज रहे हैं और गांव में किस तरह का माहौल है और सब लोग अपनी दिनचर्या कैसे बिता रहे हैं। यहाँ पे एयरफोर्स है तो फाइटर जेट जाते रहते हैं हमेशा। देखो अभी दिखाता हूँ, कोई निकल गया वो जा रहा। ये पहाड़ी को वे पहाड़ से आए हुए हैं, ये बिल्कुल ब्लैक हैं। तो यहाँ पे ना चिंटू सुबह से ही लगा पड़ा है, पूरी सजावट कर रहा है। सहेली भी लग रही है साथ में, सानू भी लग रही है।
यहाँ पे क्या लिखोगे? हल्दी। अच्छा हल्दी की रसम, तो पीले कपड़े भी पहन लेना सब। आजकल ट्रेंड चल रहा है, सब वैसे ही कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे। पिंटू भी पहनेगा पीले कपड़े। है भाई अब तक नहीं उतरी कढ़ाई, जब से चली रही लगातार। क्या क्या बना लिया? पहले तो पूड़े बने थे, ये पालक के ना, पालक आलू के, बस दो ही चीज बनाई। पूड़े भी दो इसमें तेल लगा और चौकी से उतर जाएंगी, ये तो थोड़ी थोड़ी उतरे हैं। इसको ओदी में लाना था कल से, और फाइनली ओदी में कूद ही गया। डुबकी लगा के दिखा, डुबकी लगा, डुबकी लगा।